हाय फ्रेंड्स, मैं अर्चना श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी पोहा और पीनट से लड्डू। पोहा के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पोहा लिया है और इसको चिवड़ा भी बोलते हैं, और ये लगभग 100 ग्राम पीनट है, मूंगफली का दाना, और ये 1 चम्मच घी है, और लगभग 150 ग्राम गुड़ है। इसका इस्तेमाल करके मैं लड्डू बनाऊंगी। गुड़ को इस तरह से मैंने तोड़ के रख लिया है। अगर सॉफ्ट गुड़ हो तो तोड़ने का ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इस तरह का गुड़ इस्तेमाल करेंगे तो उसको तोड़ना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले गुड़ को अच्छे से तोड़ के रख लेना चाहिए। अब इस तरह से मूँगफली को ऐसे रोस्ट कर लेंगे जिससे इसका छिलका उतारना ईजी हो जाएगा। इस तरह से लगभग 5 मिनट 6 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अभी चटकना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कैसे फट फट गया है मूंगफली पीनट। अब ये बिल्कुल रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी गैस को कम करके। इस तरह से, और इसमें मैं पोहे डालकर रोस्ट कर लूंगी, भून लूंगी इसको अच्छे से। इस तरह से भूनना शुरू कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके कितनी आसानी से इसे पाउडर बन रहा है। अभी बिल्कुल हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और पोहे को निकाल करके इस कटोरी या ग्लास के सहायता से आप ऐसे पीनट को दो भाग कर सकते हैं और छिलका अलग कर सकते हैं। जब ग्लास ऐसे दबा दबा के इसका छिलका निकालेंगे तो ये दो दो भाग हो जाएगा आराम से। इस तरह से अब इसको पोहा में मिक्स कर लेंगे इस तरह से सबको। लगभग 2 चम्मच भर पानी डालेंगे और इसमें घी को ऐड करेंगे। इसमें पूरा घी मैं नहीं डाल रही हूँ, आधा ही डाल रही हूँ। इस तरह से फ्लेम को कम करें और इसमें गुड़ को ऐड करें। लो फ्लेम पे ही गुड़ को मेल्ट होने के लिए रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे गुड़ को पानी और घी के साथ। इस तरह से गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। ये गुड़ का सिरप कई तरह से बनाया जाता है। आप सिर्फ लो मीडियम पे ही गुड़ पिघलाकर सिरप बना सकते हैं, लाई या कुछ भी मुरमुरा बांधने के लिए या गुड़ बादाम बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे पानी और घी का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, घी में भी सिर्फ सिरप बनाया जा सकता है, लेकिन पानी थोड़ा सा डाल देने से जलने का डर नहीं होता है, सिरप पूरी तरह से सेफ होता है। इसलिए मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं अब बस ये होने ही वाला है। मैं थोड़ी सी निकाल कर इसको चेक करूँगी, फ्लेम को मैं एकदम लो कर लूँगी और इसको पानी में थोड़ी सी डाल के देखूँगी ये सिरप तैयार हुआ है या नहीं। इस तरह से ये घुल नहीं रहा है, ये लगभग अभी थोड़ा मुलायम है। इस तरह से आप देख सकते हैं आधा मिनट में ये तैयार हो जाएगा बिल्कुल लो में ही। इसको मैं फिर से डाल के देखूंगी। इस तरह से 1-2 ड्रॉप अभी थोड़ा सा अच्छा से बंद आने लगा है और थोड़ा कड़ा सा होने लगा है। ये लगभग हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए।
यहाँ पर मैंने कम गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा भी गुड़ डाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं थोड़ा कम गुड़ ली हूँ क्वांटिटी के, पोहा के क्वांटिटी के हिसाब से। अब ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें पोहा और पीनट दोनों ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी गुड़ के सिरप में, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। जब ये मिक्स हो जाए तो जल्दी जल्दी लड्डू बनाना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा ऐसे पानी लगाएं इस तरह से और इसको बांधना शुरू करें। जल्दी जल्दी बांधना चाहिए लड्डू, इस तरह से मैं बांध लूँगी, देख सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू बना के रख लेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बांध बांध के रखते जाएं। इसको पेड़ा का भी आकार दे सकते हैं। पेड़ा जब थोड़ा सा बच जाता है तो कढ़ाई में चिपक जाता है, तो इसके लिए क्या करें, गैस को ऑन करके इस तरह से और आधा मिनट के लिए इसको कढ़ाई को फिर से गर्म कर देना चाहिए, ताकि ये जितना चिपका हुआ है सब अच्छा से निकल जाए। बिना हाथ में पानी लगाए लड्डू बिल्कुल भी ना बनावे, हाथ में ज़रूर पानी लगाना चाहिए। बस ये हो गया, मैं अब कर दे रही हूँ। बस मेरी अब थोड़ी सी ही बची हुई, आसानी से अलग अलग होने लगता है। बस मेरी लड्डू पूरी बन के तैयार हो चुकी है, दो और बनेंगे इसमें। मेरे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। कुछ मैंने लड्डू बनाए हैं, कुछ पेड़ा बनाए हैं। आपको लड्डू बनाना हो लड्डू बनाइए, पेड़ा बनाना हो पेड़ा बनाइए, दोनों ही बनाइए। इतने सारे मेरे तैयार हो गए हैं लड्डू और पेड़ा मिल करके, पोहा के, चूड़ा के और पीनट के, मूँगफली का। आप भी बनाइए, खाइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।